दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इनफिनिक्स नोट 35 स्मार्टफोन को OnePlus Nord CE 3 Lite स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि इनफिनिक्स के अंदर हमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस LTPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, और यार दोनों फोन्स के अंदर हमें 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट मिल रहा है, भाई अच्छी बात है। मजेदार कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनफिनिक्स का फोन यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि XOS 13 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि ऑक्सीजन OS 13.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, क्योंकि दोनों फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में मिल रहे हैं, भी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर हमें UI में से किसी एक को चूज करना हो ना, तो यार नो डाउट जो OnePlus के अंदर हमें ऑक्सीजन OS दी गई है ना भाई, बढ़िया UI है, फोन चलाने में आपको मजा आ जाएगा। लेकिन यार यहां ये इनफिनिक्स के XOS की तरह ना कि भर भर के तो आपको ब्लोटर भी मिल जाएंगे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो इनफिनिक्स के अंदर हमें Dimensity 6080 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और जो इनका कैमरा सेटअप है ना भाई बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा वो 108 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का, और जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स का जो मेन कैमरा है ना भाई 108 मेगापिक्सल का, वो तो काफी अच्छी फोटोज और वीडियोज आपको क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार ये जो दोनों फोन्स के अंदर 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ है ना भाई, सिर्फ और सिर्फ यूजलेस कैमरा, इनका कोई फायदा नहीं है भाई। इनकी जगह पर कंपनी हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा दे सकती थी, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने नहीं दिया, यही दोस्तों कड़वी सच्चाई है। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप इनफिनिक्स के बैक कैमरे से 2K तक कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ OnePlus के बैक कैमरे से मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरे की अगर मैं बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई सेल्फी लवर के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, लेकिन मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप अगेन इनफिनिक्स के फ्रंट कैमरे से 2K तक कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ OnePlus के फ्रंट कैमरे से मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। भाई मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में यहां पर इनफिनिक्स का फोन ही विनर है। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स यहां पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं, लेकिन दोस्तों फास्ट चार्जिंग में यहां पर भाई फर्क है, क्योंकि इनफिनिक्स का फोन यहां पर 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन यहां पर 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर आपको ज्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर OnePlus की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, 5mm जैक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है। और दोस्तों स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि इनफिनिक्स फोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 16000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपको OnePlus की ब्रांड वैल्यू के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है ना यार, तब आप यहां पर डेफिनेटली OnePlus की तरफ ही जरूर से जा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको 16000 के बजट के हिसाब से एकदम बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए सारे सेगमेंट्स में, तब आप यहां पर डेफिनेटली इनफिनिक्स की तरफ ही जरूर से जाइए, और यहां पर आपके पैसे भी बच रहे हैं। तो बस दोस्तों यही तो मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। खत्म।